अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे ही होंगे। तो गाइस, ये मैं कपड़े फैले हुए थे, आज थोड़ी रूम की सफाई भी की है। तो गाइस, कैसे हैं आप सब दोस्त? आज का व्लॉग मैंने आज शाम से ही स्टार्ट कर लिया और शोर बहुत हो रहा है, उसके लिए माजरत, क्योंकि लाइट गई हुई है और जनरेटर चल रहा है, उसके लिए माजरत है। तो जो है अभी हम मैंने आपको बताया, मैंने कीमा खाया, बड़ा ही मज़े का बना था कीमा, और अभी बताऊंगी। अभी पहले तो मैंने खा लिया था, फिर अभी मैंने व्लॉग शुरू किया, पर अभी मैंने कीमा खाया था वो मैं आपको दिखाती हूँ। आज बड़ा मज़े का मेरी भाभी ने कीमा बनाया था, हरी मिर्च का कीमा। और जो है हमारे साथ साथ रहिए आज का व्लॉग एंटरटेन के लिए। तो गाइस, आज जो है बना है ना, मेरी भाभी ने बनाया हरी मिर्ची का कीमा। हाँ, मैं खिला रही हूँ। मनाहिल कह रही मुझे खिलाओ। बहुत ही मज़े का है। इसकी रेसिपी तो मेरी भाभी को ही पता होगी कि वो कैसे ही बनाया उन्होंने, और बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़े का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप भी आ जाए। तो आज कीमा बना है, कीमा हरी मिर्ची का, बड़ा मज़े का। आने लगी हूँ मिल्क दूध की ये चाय, और लाइट चली गई है, और मनाहिल जो है ना ये नायना का ये देख रही है। मेरा कीमा ख़त्म हो गया, मेरी एक निवाले की रोटी बच गई है। देखें, भूख तो बड़ी लग रही है, सोच रही है एक बाइट ले लूँ किचन से जाके। और ये देखें हमारी मनाहिल जो है ना, ये डायना की फैन है बहुत बड़ी। माँ कैसा बना आज का? वेरी गुड है, हीट है। अब वो भी खा रहे हैं और वेरी गुड कर रहे हैं, और मैं अब किचन की तरफ जाने लगी हूँ। और आज मैंने अपने रूम की सफाई भी की, ये देखें, फिर भी मनाहिल ने फैला दिया, और घड़ी भी बर्बाद हुई हुई है, 6:15 हो रहे हैं, सही नहीं हो रहा टाइम। अभी हम जो है ना ये चाय बनाएंगे, और जो है अभी चाय के बाद में मिलती हूँ। तो देखा हमारी चाय कहाँ तक पहुँची है, और आज बना था कीमा, और भी साफ हो गया, थोड़ा सा रह गया, और चाय बन रही है। अरे गैस बहुत कम आती है, पता नहीं क्यों गैस इतनी कम आती है चाय। अभी मैं शावर लेकर आई हूँ, मैंने शावर लिया है, और अभी मेरे बाल अभी काफ़ी वो हो रहे होंगे क्योंकि मैंने शावर लिया है, अभी सुखाई नहीं मैंने बाल, मैं वैसे ही आ गई हल्का लाइट मेकअप करके सामने। क्या करें, आजकल थोड़ा सा मैंने जिम से भी ब्रेक ली हुई है ना, इसलिए थोड़ा सा डबल चिन। इसको इग्नोर करें ना आप लोग, इसको इग्नोर करें। मैं तो सोच रही इसकी सर्जरी करवा लेती हूँ, ताकि आप लोगों को मेरा फेस थोड़ा सा छोटा देखने को मिले। मुझे ज़रूर कमेंट्स करें और बताएं क्या मैं ऐसा करूँ। तो चाय अभी ऑट रही है, और मुझे स्ट्रॉन्ग चाय बहुत पसंद है, मुझे कच्ची कच्ची चाय नहीं पसंद, मुझे पकी हुई, ज़्यादा पकी हुई। पठान की होटल की होती है, पठान की होटल की चाय होती है ना, आपने पी होगी, कितनी मज़े की होती है, वाह ज़बरदस्त, वैसी चाय मुझे पसंद है। तो इसको मैं खूब अच्छी तरीके से पका रही हूँ, अच्छी तरीके से। ये नेल्स भी मैंने लगाए, नेल्स नहीं लगाई ये मेरे अपने हैं, मैंने नेल पॉलिश लगाई है ब्लू कलर की। को है चाय का इंतज़ार, और अब्बू की चाय मैं पहले दे देती हूँ, और अब्बू की चाय मैं किचन के रूम में लेके जाके दे देती हूँ। आज मैंने अपने रूम की इतनी सफाई की है, बहुत ही गंदा हो रहा था। मैं चाय पीकर बताती हूँ कि चाय कैसी बनी है। बड़ी मज़ेदार और कड़क चाय बनी है, मुझे तो बहुत ही मज़े की बनी लग रही है पीने में। चाय मेरी फेवरेट है, लोग कॉफ़ी कॉफ़ी करते हैं, पर मुझे कॉफ़ी इतनी नहीं पसंद, मुझे चाय पसंद है। और किस किस को चाय पसंद है कमेंट्स करें और मुझे बताएं, किसको कॉफ़ी पसंद है और किसको चाय पसंद है। तो गाइस, कल का भी प्रोग्राम है हमारा कहीं जाने का, और मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं डिसाइड कर रही हूँ कि मैं कौन सा सूट पहनूँ। तो
तो समझ नहीं आ रही है कि कौन सा सूट पहनूं। आप मुझे बताएं कि मैं कौन सा सूट पहनूं, पर आप तो मुझे कैसे बताओगे? आप तो मुझे बता ही नहीं सकते कि क्या आप मुझसे दूर हो, तो मैं खुद ही डिसाइड करती हूँ। चले आए मेरे साथ कि देखते हैं कि कौन सा सूट पहना जाए। है ना, अपनी गुड़िया और ये कुर्सी जो इधर रखती है, मैं इसको थोड़ा साइड में पैर से हटाती हूँ। हट जा। ओ, ये देखिए ऐसे बिखरा पड़ा है ना। अब मैं इसमें से सूट निकाल के बताती हूँ। ये वाला सूट तो अभी सिला ही नहीं है। ये वाला तो सिला ही नहीं है। ये वाला सूट तो सिला हुआ है, पर ये मैंने मुहर्रम के लिए सिलवाया था और मैंने पहना भी नहीं, ये वैसा ही पड़ा हुआ है। अभी मैं दूसरा सूट देखती हूँ। तो मैंने डिसाइड कर लिया है और मैं ये वाला सूट पहनने लगी हूँ कल के लिए। ये मेरी सिस्टर ने मुझे दिया था, तो मैंने सोचा चलो यही पहन लेते हैं। तो अब आज का व्लॉग मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ, क्योंकि वहाँ उस तरफ बहुत शोर था, तो मैंने सोचा मैं किचन में आके एंड करती हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयरिंग कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फिर आऊँगी अच्छे अच्छे व्लॉग के साथ। तो जब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय।